हेलो गाइस वेलकम टू आर चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी अम्मी जो कि बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स के साथ बनके इजीली तैयार हो जाएगी तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो मेकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मेकरोनी को बॉईल करेंगे तो मैंने ये अच्छी तरह से पानी को उबाल लिया है अब जब पा ये पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तब हमने इसमें डालना है एक चम्मच नमक और दो छोटे चम्मच तेल ठीक है तो जब ये अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से उबल जाए एकदम खोल जाए तब हमने इसमें डालना है ये मेरा एक कटोरी मैक्रोनी है हम इसमें ये ऐड कर देंगे और आप इसे हाई फ्लेम पर ही लगातार इस तरह से चलाते रहिए और हम इसे तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से कम्प्लीटली बॉयल ना हो जाए लगभग पाँच से सात मिनट में ये कम्प्लीटली बॉयल हो जाएंगी तो ये देखिए हमारा उबाल जो है अच्छी तरह से आ चुका है हमारी मेक्रोनिक जो है देखिए ये भी कम्प्लीटली बॉईल हो गई है जब ये बॉईल होने लग जाएंगी ना अच्छी तरह से तो इस तरह से इनका शेप भी बड़ा हो जाएगा और ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी तो बस अब हमने गैस की फ्लेम कर देनी है ऑफ़ और इसे एक स्टेनर के हेल्प से सारा पानी निकाल लेना है तो देखिए गाइस मैंने सारा पानी निकाल लिया है और उसके ऊपर अच्छी तरह से एक दो ग्लास ठंडा पानी डाल दिया था और थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दिया ताकि आपस में चिपके ना और इस तरह से हमें एक फैले बर्तन में फैला लेना है ठीक है तो चलिए अब हम इसे पाँच मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे जब तक हम अपनी वेजिटेबल्स रेडी कर लेते हैं तो अब हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और इस पैन में अब मैंने डाला है एक बड़े चम्मच ऑयल और जब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अच्छी तरह से चॉप किया हुआ गार्लिक है मैंने तीन से चार गार्लिक की कलियाँ ली थी इनको मैंने फाइनली अच्छी तरह से चॉप कर लिया है बस जब हमारा गार्लिक जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए तब हमने इसमें ऐड कर देनी है फिर वेजिटेबल्स तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं बस इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी दो टमाटर की प्यूरी जिसे मैंने बना के रखी हुई थी बस ये हमने टमाटर की प्यूरी जो है इसमें ऐड कर दी है अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे और बस इसी के साथ हम इसे लगभग एक मिनट के लिए ढक करके अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तो बस लगभग एक मिनट के बाद अब हम देखते हैं हमारी प्यूरी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है अब हमने इसमें ऐड कर देना है एक बड़ा चम्मच टमाटो सूप और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें और ऐड किया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो बस इन सबको आप अच्छी तरह से मिला लीजिए तो बस हमारी वेजिटेबल्स जो हैं कुक हो चुकी हैं अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे मेकरोनी जो कि ऑलरेडी हमने बॉईल करके रखी हुई थी तो बस हम सारी मेक्रॉनी जो है अपनी वेजिटेबल्स में डाल देंगे और इन सबको अब हमने अच्छी तरह से मिला लेना है तो बस हमारी मेक्रॉनिक जो है वेजिटेबल में जब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है अब हम क्या करेंगे इसका फ्लेवर थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया है थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग ऑरगेनो आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं पर इससे जो टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही यामी आता है तो बस इसी के साथ हमारी मेकरोनी जो है बन के गाइस बिल्कुल तैयार है तो ये देखिए लग रही है ना एकदम यमी और टेस्टी तो इसे बनाना कोई भी मुश्किल नहीं बहुत ही आसान था तो चले गाइस अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टेक केयर